हेलो दोस्तों, आज जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में हम सभी लोगों को टेंड होना पड़ रहा है। जिस हिसाब से फॉसिल फ्यूल्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से कंटिन्यूअसली फॉसिल फ्यूल्स टॉप लेवल पे पहुंच चुका है, लगभग 100 रुपए के करीब वो काफी सारे स्टेट्स में टच हो चुका है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में क्या संभावनाएं बनती हैं? कौन कौन से बैटरी के सेल्स होते हैं, किस तरीके के बैटरी के सेल्स होते हैं? हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर काफी डिस्कशन किया है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर जो लिथियम आयन बैटरीज यूज में आती है, तो उस लिथियम आयन बैटरीज के अलावा और हमारे पास में क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं? जैसे लिथियम आयन बैटरीज, हमें पता है कि लिथियम होगा, कोबाल्ट जो यूज में इनमें आता है, तो बेसिकली कुछ ही कंट्रीज के पास में इनके जो रिसोर्सेज के जो भंडार है वो है। जैसे कोबाल्ट को मैक्सिमम उत्पादन किया जाता है कॉन्गो में किया जाता है, अफ्रीका अफ्रीकन जो कंट्री है, और जो लिथियम का प्रोडक्शन किया जाता है बोलीविया, चिली और जो ट्राइंगल है अर्जेंटीना और जो इन कंट्रीज का लैटिन अमेरिका के, उनका डोमिनेंस है। तो फ्यूचर के अंदर बिल्कुल जो ओपेक कंट्रीज अभी कर रही है, तो ये कंट्रीज भी इस तरीके के कार्टेल टाइप में बना सकती है, और जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकती है। तो इंडिया की बेसिकली इम्पोर्टेंस ये है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट के अंदर और क्या क्या इस तरीके के रिसोर्सेज जनरेट किए जा सकते हैं, किस तरीके के और बैटरी सोर्सेज को जनरेट किया जा सकता है, जो लिथियम और कोबाल्ट के अलावा जो और संभावना हमें दिखाई देती है। तो आज सभी लोग सभी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे, आज सभी चीजों को देखेंगे एक एक करके। बस आप बने रहिए लास्ट तक और देखें किस प्रकार से बैटरी कॉन्सेप्ट होता है। अब हम सबको पता है बैटरी क्या होती है। बैटरी बेसिकली डीसी एनर्जी का सोर्स होती है, जिसमें डीसी करंट को रिस्टोर किया जाता है, स्टोर किया जाता है। किसी भी प्रकार की बैटरी में अभी तक हमने देखा है कि हमेशा डीसी का ही स्टोर किया जाता है, एसी का नहीं किया जाता है। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि बैटरी जो होती है वो डीसी होती है, और उसमें बेसिकली दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। जो करंट का जो फ्लो होता है, जो आयन्स का जो फ्लो होता है, वो हमेशा जो नकारात्मक कैथोड होता है उससे, नकारात्मक जो आपका इलेक्ट्रोड होता है उससे पॉजिटिव जो धनायन होता है उसकी तरफ टेंड होता है, और जब उसको रिचार्ज किया जाता है बैटरी को, तो इसका उल्टा प्रोसेस इसमें होता है। और जो बैटरीज जो होती हैं, जो अपनी लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज होती है, उसमें भी लगभग यही कॉन्सेप्ट होता है। बस उसमें जो मटेरियल लिया जाता है, इलेक्ट्रोड लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस लिया जाता है, वो थोड़ा सा अलग होता है। इससे पहले लिथियम आयन बैटरी से पहले लेड एसिड काइंड की बैटरियां चला करती थी, जो ट्रकों में, बसों में और इनमें दिखाई देते थे, जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते थे और बीच के अंदर H2SO4 का घोल उसमें होता था। तो इलेक्ट्रोड के बीच के अंदर आयन्स का आदान प्रदान होता था, वो एनर्जी उस टाइम प्रोवाइड करवाते थे। तो किस तरीके से चार्जिंग के टाइम पे और लोडिंग के टाइम पे किस तरीके से उसमें अभिक्रिया होती थी, किस तरीके से उसमें एनर्जी का रिस्टोरेशन होता था, किस तरीके से लोड के अंदर उसको यूज में किया जाता था, वो हम सब लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे बैटरीज लिथियम आयन के अलावा, लेड एसिड के अलावा, किस टाइप की बैटरीज अभी मार्केट में अवेलेबल है, किस तरीके के इनकी यूजेज है, वो सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जस्ट आप देखिए कि इसमें कितने टाइप की बैटरीज होती है। तो बेसिकली तीन टाइप की बैटरीज हम आज डिस्कशन करेंगे, जो जनरली अभी रिचार्जेबल बैटरीज के तौर पर जानी जाती है। इसके अलावा भी काफी सारी बैटरीज होती है, जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले हमने देखा था कि जो IOC है, इंडियन ऑयल जो सेक्टर है, IOC जो कंपनी है, उसने इजरायली जो एक कंपनी है उसके साथ में टाई अप करके जो एल्यूमिनियम एयर बैटरीज को फील्ड में जो रिसर्च है उसको आगे बढ़ाया है। और एल्यूमिनियम के अलावा जैसे आयरन बैटरीज का भी अभी काफी नाम सुना जा रहा है, और आयरन बैटरीज के अलावा अदर भी कई बैटरीज है जो निकल बेस्ड है, तो इस तरीके के इनमें काफी काम तो हो रहा है, लेकिन अभी ये स्टार्टिंग स्टेज में है। तो अभी जो प्रेजेंट में जो बैटरीज काम आ रही है, हमें उनके ऊपर डिस्कशन करना है, और फ्यूचर में क्या हो सकता है उस प्रोस्पेक्टस का भी डिस्कशन हम एनालिसिस इसमें करेंगे। तो काफी सारा कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। बस आप लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ में, और चैनल को लाइक करिए, वीडियो यदि पसंद आया उसको काइंडली प्लीज उसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, लाइक करिए। तो देखिए एक एक कर सब कुछ हम लेते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे निकल कैडमियम बैटरी के बारे में। निकल कैडमियम बैटरी जो होती है एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी होती है, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के बने होते हैं और धातु कैडमियम के बने होते हैं। ये निकल कैडमियम के आपके सामने एक एग्जाम्पल है, जिसका हम पहले भी जो पहले आपको ध्यान होगा कि काफी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनते थे, जैसे सोनी का वॉकी टॉकी आता था या फिर कोई टॉयज आते थे, उसमें जो बैटरी लगती है बेसिकली वो निकल कैडमियम की बैटरीज होती है। ट्रकों में, बसों में जो बैटरीज पहले लगा करती थी वो लेड एसिड बैटरीज होती थी, और प्रेजेंट में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो बैटरीज लग रही है वो लिथियम बेस्ड बैटरीज है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके की बैटरी, कितने टाइप की बैटरीज अभी प्रेजेंट में चल रही है।
लेड एसिड बैटरी के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है कि इसका 1859 में इसका जो इन्वेंशन हुआ था, भौतिक शास्त्री थे फ्रांस के, गैस्टिन प्लैंटिक, इन्होंने किया था। और ये बिल्कुल रिचार्ज करने योग्य थी, रिचार्जेबल थी। इससे पहले भी व्हीकल जो थे इलेक्ट्रीफाइड थे, मतलब इलेक्ट्रिक के ऊपर व्हीकल चला करते थे सिंस 1850 से, बट वो बैटरीज पे बेस्ड नहीं थे क्योंकि बैटरीज का इन्वेंशन उस टाइम हुआ ही नहीं था। 1859 में फ्रांसिस फिजिसिस्ट जो थे गैस्टन प्लांटिंग, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। उसके बाद में इस कॉन्सेप्ट का उभारा कि इलेक्ट्रिकल बैटरीज और काफी सारे काम जो इन बैटरीज के माध्यम से कर सकते हैं। और ऊर्जा भार जो होता है, ऊर्जा भार क्या होता है हम आगे डिस्कशन करेंगे। क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो बैटरी होती है उसमें जो केमिकल्स और जो उसका जो एरिया होता है वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की बैटरी है। तो लेड एसिड बैटरी का जो स्थान आता है वो निकल कैडमियम बैटरी के सेकंड में आता है। निकल कैडमियम बैटरी किस तरीके से काम करती है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो आगे हम डिस्कशन करेंगे। ये बेसिकली लेड एसिड बैटरी जो आपने ट्रकों में, बसों में, कारों में, इनमें देखा होगा, जो उसके लाइट लैंप वगैरह जलाने के काम में आते हैं। इसमें जो दिख रहे हैं वो दो, एक एनोड है, एक कैथोड है, ठीक है। और हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं किस तरीके से आयन का एक्सचेंज होता है एनोड से कैथोड की तरफ, और जब रिचार्ज करते हैं जब कैथोड से एनोड की तरफ। ये सिंपल कॉन्सेप्ट इसका होता है। इसके अंदर जो H2SO4 जो रखा जाता है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, दोनों कैथोड के बीच में जो करंट का जो फ्लो होता है वो हवा में तो होगा नहीं, वो किस तरीके से होगा, वो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिक के माध्यम से होता है। इलेक्ट्रोलिक उस करंट को एक सिंपल मीडियम प्रोवाइड कराता है जो कि उसको कैथोड पे जमा होने में सहायता करता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा तो करंट का फ्लो ही नहीं होगा, बैटरी आपकी डिम पड़ने लगेगी, वोल्टेज डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब लेड एसिड बैटरी में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो सेल्स होते हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, और जो लिथियम आयन बैटरीज होती है उसमें पैरेललिज्म को जोड़ा जाता है और उसको यूज में लिया जाता है। अब जो लिथियम जो बैटरी होती है लेड एसिड की, उसमें 12 वोल्ट की बैटरी होती है, 6 सेल श्रेणी क्रम में इसमें लगे होते हैं। तो जब श्रेणीज में लगा जाता है तो वोल्टेज जुड़ने लग जाते हैं, और जब पैरेलली लगाया जाता है समानांतर क्रम में लगाया जाता है तो करंट भी एड होते हैं। तो सीरीज के अंदर लगाएंगे तो 12 × 6 = 72 वोल्ट की बैटरी ये बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें बेसिकली दो प्लेट्स होती है जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक एनोड होती है, कैथोड होता है, से कनेक्ट होती है, और कोई इनके बीच में बेसिकली विद्युत कुचालक रख दिया जाता है ताकि इनमें किसी प्रकार का कोई करंट का शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाए, ठीक है। प्लेट का उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाए, आपस में टच नहीं हो पाए। और एक कोई लिक्विडाइजर, एक जो लिक्विड होता है उसमें डाल दिया जाता है, जो बेसिकली क्या होता है वो इसमें डूबा रहता है, और जो इसमें जो करंट फ्लो होता है, जो आयंस फ्लो होते हैं वो इसमें फ्लो होते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। और जो इसके प्लेट्स होती हैं लेड पेरोक्साइड की बनी होती हैं, और जो ऋणात्मक प्लेट होती है वो पबलम की बनी होती है, पीबी की बनी होती है, जिसको लेड कहा जाता है। और ये देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है लेड एसिड बैटरी का। इसमें दो एनोड और एक कैथोड के जुड़े हुए हैं। एक जो एनोड है वो PbO2 पबलम ऑक्साइड का, और जो पबलम है उसका कैथोड बना होता है, और बीच में H2SO4 का इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस है, जो करंट फ्लो होता है वो उसमें जो चार्ज का फ्लो कराया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से इसमें होता है। तो जो चार्जिंग होता है वो कैथोड टू एनोड करंट, इसमें जो चार्ज फ्लो होता है और चार्ज के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन करंट फ्लो होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का। और जब डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी तो उसको चार्ज करना पड़ता है, चार्ज इसका उल्टा रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा लेड एसिड बैटरी का वर्किंग प्रिंसिपल है। अब जब पूरी तरह बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाती है तो जो PbO2 जो होता है वो पूरी तरह डिस्चार्ज होने के बाद में PbH2SO4 के अंदर जो सल्फेट होता है वो क्रिया करके PbSO4 लेड सल्फेट बना लेता है। और जब इसको डिस्चार्ज वापस से चार्जिंग की जाती है तो ये वापस से PbO2 और Pb में कन्वर्ट हो जाता है, और जो SO4 होता है वो H2SO4 में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में आ जाता है, जो कि बेसिकली डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो कई बार बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो कई हमारे जो एडवाइजर्स होते हैं वो हमें कहते हैं कि भाई इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाल दो, बैटरी वापस से काम करने लगेगी। तो डिस्टिल्ड वाटर बेसिकली उसका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस का काम कर रहा है, तो वो थोड़ा कम जब काम करने लग जाता है तो बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में आ जाती है। अब बैटरी के अंदर क्या होता है, डिस्चार्ज प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की तरफ गति करता है, डिस्चार्ज की प्रोसेस जब लोड के अंदर बैटरी होती है। और जब इसको चार्ज किया जाता है तो इसको उल्टा प्रोसेस होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक प्लेट की ओर जाने लगते हैं। तो ये इसका एक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। ये एक स्केच डायग्राम की तरह है। PbSO4 जब बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगी, और जब डायल्यूटेड H2SO4 बढ़ाएंगे
तो वो वापस से चार्जिंग कंडीशन में आने लग जाएगी। नेक्स्ट बैटरी आती है वो होती है निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी। इस तरीके की बैटरी आप जनरली 1.2 वोल्ट की आपने इसमें डायग्राम में देखो, और एक लिखा 1900 1900 mAh ये इसकी कैपेसिटी को दिखा रहा है। जो जिस सपोज करो कहीं पे 100 mAh लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो बैटरी 100 mA का करंट दे सकती है। ठीक है, कितने टाइम तक देगी? जैसे 1900 mAh लिखा हुआ तो इसका मतलब कि इस बैटरी को 100 आवर्स तक यूज में किया जा सकता है और लगभग 19 mA का करंट इसे ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये 1900 mAh और 750 mAh का मीनिंग हुआ इसमें। अब निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी जो होती है रिचार्जेबल बैटरी होती है, अभी बिल्कुल क्यों रिचार्जेबल बैटरीज की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। और जो इसका कॉन्सेप्ट सभी ऑलमोस्ट बैटरी का सेम सा ही होता है, केमिकल रिएक्शन जो होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सिमिलर टू दैट ऑफ निकल कैडमियम सेल के इसके अंदर होता है, और यूजिंग निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड इसमें NiOH इसमें बनता है। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को अब्जॉर्ब कर लेता है कैडमियम की जगह पे। और इनकी जो कैपेसिटी होती है निकल जो मेटल हाइड्राइड बैटरी होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 2 to 3 times होती है निकल कैडमियम बैटरीज की कंपैरिजन में। जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं निकल कैडमियम की कंपैरिजन में, की जो कैपेसिटी होती है वो 2 to 3 times होती है, और हायर एनर्जी डेंसिटी होती है। अब हायर एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कि जो सेम कैपेसिटी के अंदर जो एनर्जी लेवल होगा वो 3 times होगा, और जो साइज होता है वो कंपेरेटिवली कम होता है। तो ये इसके कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी के बारे में, और ये स्पेस जैसी टेक्नोलॉजीज में यूज में लिया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि इसरो ने भी कुछ अपनी जो बैटरी कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजीज है वो काफी सारी कंपनीज के साथ शेयर करा है, ताकि उस कॉन्सेप्ट को यूज करते इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो सेगमेंट है उसमें रेवोल्यूशन लाया जा सके और तेजी से उनका यूज होने लगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसरो ने इसको कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड करवाया था। तो इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, स्पेस कम होता है, और इसलिए इसका यूज काफी जगह पे है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि एक स्वच्छ ईंधन का यूज में लिया जाए, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स ने बहुत परेशान किया दुनिया को। फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ये हम साइड में भी रख देंगे, ओपेक कंट्रीज का इसका कब्जा है। ओपेक कंट्रीज आप सभी लोग जानते हैं जहां पे ऑयल का प्रोडक्शन होता है, उन कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बना रखा है, एक सिंडिकेट बना रखा है, एक कार्टेल टाइप में बना रखा है। वो वर्ल्ड की ना बल्कि फॉरेन पॉलिसीज को कंट्रोल करती है, बल्कि काफी हद तक वर्ल्ड में एक इस तरीके की अनबैलेंस भी लेके आ जाती है। तो ये बहुत ही जरूरी हो गया था कि इस तरीके का ईंधन की खोज की जाए, फ्यूल्स की खोज की जाए, जिस ना बल्कि पोल्यूशन कम करता हो, साथ ही इम्पोर्ट बिल को भी कम करें इंडिया के, क्योंकि प्रेजेंट में भारत का जो फॉसिल फ्यूल पे इम्पोर्ट बिल है पर ईयर ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का है। तो इतने बड़े अमाउंट को कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती अफोर्ड इजी वे में, तो कम करने का प्रयास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक इंटेंशन भी बनाई कि रेलवे को पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाए 2023 तक। अब रेलवे रेलवे का जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है ऑल इंडिया में लगभग 13,000 करोड़ का होता है। तो ये भी यदि यदि रिडक्शन होता है तो काफी बड़ा एक अमाउंट हो जाएगा। और बात करें इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैम स्कीम लेके आए हैं, और इसमें फास्ट एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इसका है, जिसमें 2019 से 2020 तक जो इसका फंड है इस सेक्टर में वो 10 गुना तक बढ़ा दिया गया, अर्थात 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। और इससे पहले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के आसपास का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर यूज में लिया जाता है। तो हमने जो ऊपर बैटरीज देखी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की जो बैटरीज देखी है, तो उसका मेन इंटेंशन यही था कि केवल लिथियम आयन बैटरीज ही नहीं, जो और भी इसके बैटरीज के कॉन्सेप्ट है वो यूज में लिया जाए, ताकि केवल हमारी डिपेंडेंसी है वो फॉसिल फ्यूल के हटने के बाद में लिथियम और कोबाल्ट जैसे प्रोड्यूसिंग कंट्रीज उन्हीं के ऊपर ना होकर रह जाए। तो अदर जो कॉन्सेप्ट है उसको भी इसमें यूज में लिया गया, जो निकल कैडमियम हमने डिस्कशन किया, निकल कैडमियम मेटल वाली बैटरीज का डिस्कशन किया। अब नीचे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि किस तरीके से देखो कंटिन्यूअसली ईयर बाई ईयर जो इस तरीके के व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन वो बढ़ रहे हैं। इसमें देख सकते हो 2 व्हीलर्स का सेगमेंट कंटिन्यूअसली पहले इम्प्रूव हुआ है, और मैक्सिमम 2089 में 21.2 मिलियंस व्हीकल्स बिके, और फिर देन उसमें कमी आने लगी है। और अब ये बढ़ कौन सा सेगमेंट रहा है, इसमें ओवरऑल कमी आई है 2018 के बाद में, लेकिन देखें तो इसमें जो 2 व्हीलर सेगमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसका सेगमेंट अभी भी अच्छा खासा है। और फेम कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं,
फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। हाइब्रिड व्हीकल का भी हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले कि हाइब्रिड व्हीकल्स वो होते हैं जिसके अंतर्गत फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंटरनल कम्बशन इंजन का यूज किया जाता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का भी यूज किया जाता है जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर चलती है। और फॉसिल फ्यूल का जनरेशन तभी होता है जब इलेक्ट्रिकल सेल्स खत्म हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो सेल्स होते हैं वो पूरी एनर्जी डिस्चार्ज कर चुके होते हैं, तो ये एक हाइब्रिड कॉन्सेप्ट होता है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स का, सभी जो व्हीकल्स है उन सबका यूज करते हुए केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई फेम, और अभी जो वर्जन प्रेजेंट में चल रहा है उसको फेम सेकेंड स्कीम बोला जाता है। तो ये सब बेसिकली था इलेक्ट्रिकल व्हीकल और इलेक्ट्रिकल सेगमेंट के बारे में। अब हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर, हाइड्रोजन फ्यूल कॉन्सेप्ट के ऊपर, और क्या इसका फ्यूचर है, क्यों इसको फ्यूचर का एक फ्यूल बोला जा रहा है, तो वो सब हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जस्ट हमें बताइए राइट डाउन करके मैसेज बॉक्स में कि कैसा लगा ये वीडियो, और अपने दोस्तों का शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को पसंद करिए। थैंक यू।